कविता का शीर्षक है ऐसे ही रुकी रहो वर्षा। ऐसे ही रुकी रहो वर्षा, इंद्रधनुष और मटमैले पानी की बातचीत होने तक। कुछ स्थगित मुलाकातों के बारे में सोचो, कुछ उदासियों के बीच धूप खिलने दो। तुम्हारे अनवरत को कहीं दर्ज करने के लिए भी थोड़ी सांस चाहिए होगी। रुको वर्षा, रुको कि हरेपन का एक संक्षिप्त तोता कुछ चीखता गुजर पाए। तोते के हरेपन और उसकी लाल चोंच भर रुको वर्षा। एक सबसे बेचैन इंतजार भर रुको, रुको अंतिम कमीज के सूखने भर। गीले अखबार में गीले हो गए लगातार बारिश के समाचार पर हंसने के लिए रुको वर्षा। ऐसे ही रुकी रहो, ऐसे ही रुकी रहो वर्षा। शीर्षक है सुराख। इसी सुराख से समय मेरे कमरे में आता है, इसी सुराख से समय मेरे कमरे में आता है। रात इसी रास्ते उतरता है अंधकार। इसी सुराख से समय मेरे कमरे में आता है, रात इसी रास्ते उतरता है अंधकार। कभी जो अपनी शक्ल देखनी हो चांद को, तो फर्श पर खुदे इसी गोल दर्पण में देख पाता है। इसी सुराख से समय मेरे कमरे में आता है, रात इसी रास्ते उतरता है अंधकार। कभी जो अपनी शक्ल देखनी हो चांद को, तो फर्श पर खुदे इसी गोल दर्पण में देख पाता है। एक बार लेटे लेटे खिसक कर मैंने उसे ठीक अपने दिल पर ले लिया। अब याद नहीं ठीक से वो चांदनी थी, धूप थी या और कोई चीज। अब याद नहीं ठीक से वो चांदनी थी, धूप थी या और कोई चीज। यकीन मानिए साहब, हमने चीजों के मायने बदल दिए। इसका शीर्षक है कासिद। कभी जो झूठ मिलाए बिन सुनाया हो पैगामे जुबानी, दस के दस कासिद झूठ के सौदागर निकले। कभी जो झूठ मिलाए बिन सुनाया हो पैगामे जुबानी, दस के दस कासिद झूठ के सौदागर निकले। इतने जाले बुन दिए हैं सालों ने मेरे और तुम्हारे दरमियान कि इसे सचमुच की तलवार ही काट पाएगी। कितना दिलचस्प होगा उसका चेहरा देखना जब नौ कासिदों की गर्दन उतार चुकी तलवार दिखा के दसवें की रजा पूछी जाएगी। वो फिर एक झूठ गढ़ेगा और थोड़ी देर को अपनी जान बचा लेगा। शीर्षक है पुकारो। पुकारो। तुमने यह ठीक किया, इस बार किसी अस्त व्यस्त को दुरुस्त करने का कोई यत्न नहीं किया। वैसा ही रहने दिया हवाओं का आना जाना, वैसे ही रहने दिए धूल और उड़कर आने वाले पंख। यह चमकदार पंख कौवे का कभी पड़ता नहीं पुराना। तुमने ठीक किया वैसे ही रह जाने दी स्मरण धूल। धूल पर नाम लिखना, मुस्कान का चित्र बनाना, फिर केवल नाम को मिटा देना, चित्र को न मिटाना, समय में थोड़ी जगह देना। ठीक किया जो नाम पूछ पूछ कर जान लिया पक्षियों का परिचय। अनंत चहचहाटों के आकाश में से केवल एक आवाज को आवाज देकर बुलाने का हुनर सीख लिया। इसी क्षण के लिए तो मांगा था पक्षी स्वर का संक्षिप्त जीवन कि किसी दोपहर गौरैयों की बेचैन आवाजों के शोर के बीच तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे नाम लेकर पुकारो। शीर्षक है जलती टहनी। यही अयोध्या है जहां बैठा हूं अपने किस्से की आग जलाए। यही अयोध्या है जहां बैठा हूं अपने किस्से की आग जलाए।
इसी आग से कापालिक अपना खप्पर सुलगाते हैं, ग्रामीण अपनी बीड़ी और डोम खरीदते हैं, रोज का सौदा 2 रुपए की आग। यहीं से फूटती है वनवास की पगडंडी, गिरती हुई ताड़का का कपाल इसी पत्थर से फूटा। इसी जगह कट कट गिरते थे 10-10 शीश, जुड़ते जाते थे। यही अंतिम सीख लक्ष्मण को, यही सरयू नदी। रूपक एक मृत पक्षी का विचार है, सजा हुआ कहीं शीशे की निर्जल आंख लगाए। कहो तो ऐसा कहो एक किस्सा, कि जहां बैठे किस्सा को घटनाएं वहीं आए सबकी भूमिकाएं। इसी जगह मृत श्रवण कुमार के लिए सीना पीटते बैठे थे अंधा आदमी औरत अंधी। जो वृक्ष सूख गए उनके विलाप से, उन्हीं में से किसी एक की टहनी सम्मुख यह चल रही है। अधूरा चुंबन। एक टुकड़ा चांद की तरह अटका था याद के दरख्त पर, चांद ही की तरह कभी उदासी कभी तंज से देखना और मुंह फेर लेना। एक उम्र वहीं रुक गई थी टूटकर, वहीं रुकी थी सांस, इच्छा और अधपुली आंखें वहीं रुकी थी, बीच से बहता जाता था काल। उसने धूपदार दोपहर को भी चुंधिया दिया हो, आवाजों को सोख लिया हो आकाश की स्तब्धता ने। आती जाती रही ऋतुएं, हवाएं, बारिश और दूसरे क्षण। कभी लगता कि आधे चांद और अधूरी दोपहर में कोई निस्बत है, कभी लगता कि टूट गिरी वह टहनी जिस पर कि चांद अटका था। एक कविता सुना रहा हूं, रकीब, ये आखिरी कविता है। रकीब। एक नाम गढ़ता है नींद में और उंगली ढूंढने लगती है लिबलिबी का ठंडा लोहा। हम दोनों के ख्वाब गुस्तैल तलवारों की तरह टकराते हैं और 3-3 रातों में चिंगारियां भर देते हैं। उसकी पीठ किसी से भी मिलती हो, उसका सीना मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। रकीब तुम्हारे शक के घर में रहता है शहजादे, कहकर तीसरी रानी ने जो गजल गुनगुनाई वो यूं कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। फिर अपने मन में लिया आशिक का नाम और मासूमियत से पूछा, सुबह कोई जोर से पुकारता था आपका नाम सीढ़ियों पर। रकीब सतरों के बीच से बोलता है, वो अक्सर माशूका की आवाज में बोलता है, वो एक दो मुहा सांप है, एक जहर आलूदा तीर। मैं उसकी इस चाल से कत्ल हुआ कि मुझसे डर कर पीछे हटना, और पीछे हटते हटते मेरे इश्क के बिल्कुल करीब पहुंच जाता। मैंने खुद मांगा उससे वो तीर, खुद अपना सीना चाक किया, और क्या बाकी था। आधी सदी से बैठा हूं इन झाड़ियों में कि उसका सर कलम करके ही लौटूंगा। मैंने उसे मार डाला है, सभी दरख्त यही कह रहे हैं, यही फुसफुसा रही थी घास, यही सरगोशियां हवा की। कोई ना कोई उसे बता देगा, फिर कौन चाहेगा एक कातिल को। हम एक ही मौसम की हवाएं थे, एक ही आग को पीकर अंधा हुए तो लोग, एक ही बिजली से दागी गई जीव लेकर बोसों को भूले हुए तो लोग। हमें धूल भरी हवाओं और कांटेदार झाड़ियों ने चाहा है, अगरचे उसने पहले दे दी जान, जीते जी मर जाऊंगा शिकस्त से। शुक्रिया।